मेरा मतलब है कि लड़कियों को बस उड़ने दो, जो चाहती हैं उनको करने दो, थोड़ा मतलब ये नहीं है, वो भी समझती हैं कि घर वालों को कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो भी समझती हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए, तो यही है बस करने दो, घर वाले भी उनको सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिबाकर और मुखर्जी नगर के हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, प्यार दिया, लेकिन बहुत सारी छात्राओं की हमारे पास में ये शिकायत है कि आपने गर्ल्स पीजी का वीडियो बहुत दिनों से नहीं बनाया है, आज हम बना रहे हैं। और हमारे साथ में दो छात्राएँ हैं, ये SSC की तैयारी करती हैं और बहुत सारी छात्राएँ हमेशा डरी रहती हैं कि पीजी में किस तरीके से रहेंगे, वहाँ पे किस तरीके से रूम होता है, किस तरीके से दूसरी छात्राएँ रहती हैं। हमारे साथ में दो छात्राएँ मौजूद हैं, PILPG में ये लोग रहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आप मुखर्जी नगर में कब आए थे और कहाँ से हैं आप? हम अभी थोड़ी दिन पहले ही आए थे, मैंने वीडियो देखा था आपका, तो उसको देख के हम यहाँ पे आए थे और आपको देख के फिर यहाँ पे हमने देखा तो PG लिया हमने। आप दोनों लोग दोस्त हैं, एक साथ ही आए थे या फिर अलग अलग? नहीं, हम दोनों सिस्टर हैं, एक साथ आए थे। हाँ, और दोनों ने एक ही कोचिंग ज्वाइन किया है, पीछे बैग भी एक ही कोचिंग के रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होती है? जैसे आपने बताया कि आपने भी वीडियो देखा था, बहुत सारी छात्राएं देखती हैं, लेकिन बहुत सारी डरती रहती हैं, पता नहीं किस तरीके का पीजी होगा। बहुत सारे परिवार के लोग भी होते हैं, थोड़ा अगर अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो थोड़ा डरते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होती? आप मतलब खुल के बताइए, किसी भी तरीके की खाने की, रहने की, या फिर जब आप बाहर जाते हैं तो कुछ लड़कियों को दिक्कत तो परेशानी तो नहीं होती? नहीं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, सेफ़ है यहाँ पर। मतलब PG में कोई बॉयज़ एंट्री नहीं होती, बस जिनका PG है वो आ सकते हैं, बाकी सेफ़ है, जाने आने का भी सारा सेफ़ है। आप ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके आए थे क्या यहाँ पे? नहीं, मैंने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है, मेरा फर्स्ट ईयर है। ओके, कैरियर मिला आपने ज्वाइन किया, उसकी फ़ीस वगैरह कितनी पे करते हैं अगर आप बता देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको भी पता चल जाएगा। पूरा कोर्स हमें 17,000 का पड़ा है। उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ? GS है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, बस तीन सब्जेक्ट। चार। कितने घंटे आपकी यहाँ पे क्लास चलती है? आप दोनों लोग एक ही कोचिंग में जाते हैं, आपकी कितने घंटे की क्लास चलती है? हमारे 3 घंटे की क्लासेस होती हैं और जिसमें हम 5 to 8 होता है, जिसमें हमें अलग अलग जैसे 1.5 घंटे की अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे आपकी फर्स्ट मैथ्स की हो गई या सेकेंड रीजनिंग की हो गई, ऐसे हमारी क्लासेस चलती हैं। आप कितने घंटे यहाँ पे रूम पे आके पढ़ते हैं कोचिंग से आने के बाद? अलग से मतलब शेड्यूल बना रखा है, जैसे हमारा 3 to मतलब होता है कि जैसे कि 5 to 8 हमारे कोचिंग का टाइम है, उसके बाद हम लोग थोड़ा आके फ्रेश होते हैं, उसके बाद खाना बना खा के हम पढ़ने बैठ जाते हैं, उसके बाद हम जब तक जैसे 3 या 4 या 5 घंटे पढ़ते हैं, फिर थोड़ा करते हैं रिलैक्स, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं, सोने के बाद फिर उठते हैं, फिर वही। मम्मी को क्या कहना चाहेंगी, मम्मी पापा को, अच्छे से पढ़ाई यहाँ पे हो पा रही है या नहीं इतनी दूर आने के बाद? नहीं, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है और मम्मी पापा ने ही हमें मतलब इस काबिल समझा और हमें यहाँ पे भेजा, थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपकी हॉबी क्या है, आपको पसंद क्या है, क्या गणित पढ़ना आपको पसंद है? मुझे GS पढ़ना बहुत पसंद है। गणित क्यों नहीं पसंद है? नहीं, मैथ्स मतलब पसंद है बट इतना नहीं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से स्ट्रीम आर्ट्स में रहा है और मैथ्स मैंने 10th में ही ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद मैंने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग मैंने मतलब स्टडी की है सारी। आप भी ग्रेजुएशन करके आए हैं यहाँ पे? मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है। ओके, हाँ जी। आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबी क्या है? मुझे GS ही, क्योंकि मेरे पास भी आर्ट्स था। हाँ, तो दोनों लोग एक ही क्लास में वहाँ पे पढ़ते थे क्या? नहीं, कॉलेज अलग था हमारा, थोड़े दिन बहुत साथ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोचिंग एक ही है। हाँ जी, तो टाइमिंग भी एक ही होगी, एक ही बैच में जाते होंगे। वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं कैरियर मिल में, कैसा पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ्स का जो हमारा ऑफलाइन है वो SBS सर का है, वैसे अगर आपने ऑनलाइन लेना है किसी भी गर्ल्स को या किसी को लेना है तो ऑनलाइन में राकेश सर पढ़ाते हैं। ये बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप तो ऑफलाइन जाते हैं, तो ऑफलाइन में अच्छे से समझ आता है या ऑनलाइन में? ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है, आपको क्या बेस्ट लगता है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? आई प्रेफर कि लोग मतलब ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से हैं जो आ नहीं सकते हैं, आ नहीं पाते हैं, किसी कंडीशंस होती हैं लोगों की कि नहीं आ पाते हैं, बट जो अगर एक बार बच्चा अगर ऑफलाइन ले लेता है तो उसके लिए बहुत मतलब बेटर होता है कि आप एक बार ऑफलाइन ले के बाद में ऑनलाइन करोगे तो आपके लिए मतलब बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है, ऑफलाइन अच्छे से समझ आता है या ऑनलाइन?
ऑफलाइन में ये है कि हमारा टीचर के साथ आई कांटेक्ट रहता है, हम अच्छे से आगे बैठ के पढ़ के देख सकते हैं क्या हमें समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हमसे उनसे पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन में ये नहीं कर सकते, हम उनसे नहीं पूछ सकते कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है वापस से करो, तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। फिर ऑफलाइन लेके ऑनलाइन लेना तो ठीक है। आप कितने घंटे तक यहाँ पे, आप जैसे कि ये कौन सी बुक है, कितने घंटे तक यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं डेली? 6 घंटे ज़्यादा, 5 या 6, 4 कभी। आप मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे आपकी स्टडी में? मतलब जैसे बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि पीजी में शायद कुछ दिक्कत होती है, जैसे खाना को लेकर के लाइट कभी जलती नहीं है, ख़राब है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता यहाँ पे? नहीं नहीं, लाइट वगैरह सब ठीक है, खाना भी अच्छा है यहाँ का, बेटर है सारा। अच्छा, जब बाहर छात्राएँ आती हैं, लड़कों को तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं पर भी चले जाएँ, आपके साथ में क्या क्या समस्याएँ आती हैं बाहर जाने में आने में? बहुत सारी फैमिलियाँ घबराती हैं बाहर भेजने से, कुछ समस्याएँ क्या क्या आती हैं लड़कियों को? मोस्टली चीज़ है कि इंडिपेंडेंट होना इस टाइम में बहुत ज़रूरी है, आप समझते हैं जैसे, बट थोड़ा घर वालों को डर होता है कि लड़की है भेजेंगे तो। आजकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रही हैं, आपको भी पता है इस बारे में, लेकिन डरने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सब हमें बहुत अच्छी सेफ्टी दे रहे हैं। पीजी में भी हमें हर तरह की सेफ्टी मिलती है, और हमारी कोचिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें घर वालों को लगता है कि लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं या कुछ हैं, बट अगर आप अपने ऊपर होता है कि आप कैसे रह रहे हो तो सब चीज़ अच्छी होती है। आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, टॉपर भी बन रही हैं लड़कियां ही, और बहुत आगे निकल चुकी हैं, निकल भी रही हैं, अच्छा पढ़ती भी हैं। आपको क्या लगता है, कई हज़ार स्टूडेंट आज आपको देख रही होंगी, स्पेशल लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा मतलब है कि लड़कियों को बस उड़ने दो, जो चाहती हैं उनको करने दो, थोड़ा मतलब ये नहीं है, वो भी समझती हैं कि घर वालों को कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी समझती हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए, तो यही है बस करने दो, घर वाले भी उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल, वाकई में दोस्तों लड़कियां कहीं पे भी पीछे नहीं है, हर फील्ड में लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और मेहनत भी मन लगा के ही करती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस वीडियो में कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। PILPG में हम थे क्योंकि आपने कई बार बोला, इसलिए हमने ये वीडियोज़ बनाया है, और यहाँ पे लाखों स्टूडेंट रहते हैं जो देश के कोने कोने से, कोई UPSC की तैयारी करना है, कोई SSC की तैयारी करना है, तो कोई यहाँ पे और भी बहुत सारे कोचिंग हैं तो वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट भी हैं। मुखर्जी नगर किताबी रंग बिरंगी दुनिया है ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे सीनियर लोग कहते हैं, टीचर कहते हैं कि आप भी यहीं पर रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं या फिर आना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछेंगे, ये शेयरिंग रूम का आप कितना कितना रेंट देते हैं? बताना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग देते हैं यहाँ पे रहने का, तो बहुत सारी स्टूडेंट को पता भी चल जाएगा, उनको भी आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको पता है कि हर दिन मतलब चीज़ें वो हो रही हैं एक्सपेंसिव, इससे भी छात्रों को प्रॉब्लम होती है, डे बाई डे बढ़ता जाता है। हाँ, डे बाई डे बढ़ता है तो अलग अलग होता है, जैसे हमसे 1 मंथ पहले आए हैं उनका अलग चार्जेस हैं, हमारे अलग हैं, हमसे बाद में आएंगे उनके अलग चार्जेस होंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल है और वाटर बिल है, जो भी बिल हैं उनका दिन पर दिन चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से हम तो 8.5 हम दोनों का है, एक का 8.5 है। ये भी दोस्तों एक समस्या है यहाँ पे, इन लोगों ने शायद उस टाइम नहीं बता पाया और मैं भी भूल गया था, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पता नहीं कब खत्म होगी, और मैं यही कहना चाहूँगा आप जहाँ पे भी हैं मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।